Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing very well and living your healthy, wealthy and beautiful life. And I truly wish and I truly hope कि आप जो भी manifest कर रहे हो अपनी life में, आपके dreams, goals, desires, career, आपके special person को या future spouse को, I truly wish कि वो जल्द से जल्द manifest हो जाए आपकी life में. And आज हम reading में देखेंगे कि आपके future spouse कौन है, who will you marry. एंड मैंने यहाँ पे बर्थडे के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन रखा है, पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू. अगर आपकी बर्थडे पाइल नंबर वन में है सो यू कैन चूज पाइल नंबर वन. एंड अगर आपकी बर्थडे पाइल नंबर टू में है सो यू कैन चूज पाइल नंबर टू. जिस भी पाइल में आपकी बर्थडे है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं. टाइम्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल दे दूंगी. एंड गाइज, आज मैंने एक छोटा सा लाइव सेशन रखा था टैरोट, मेरी टैरोट फैमिली के साथ. जिनको भी इंटरेस्ट है, मैं नेक्स्ट लाइव जल्द ही करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड. एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसकी अपडेट दे दूंगी, डेट एंड टाइमिंग जो भी होगा नेक्स्ट लाइव सेशन का, उसकी अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी. सो वी विल बिगिन विथ पाइल नंबर वन. जिनकी बर्थडे पाइल नंबर वन में है, जिन्होंने पाइल नंबर वन का सिलेक्शन किया है, let's start their reading and let's see who will be their future spouse. पाइल नंबर वन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं काफी इमोशनल पर्सन हैं. ये इक्वालिटी में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं. ओ माय गॉड, पाइल नंबर वन, वाओ, बहुत ही हाई अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं. इमोशनल बहुत ज्यादा हैं, इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, नई सोच रखते हैं, एडवांस थिंकिंग है इनकी. हालांकि ये नेचर से थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़े घमंडी मैं कहूँ तो कुछ कम नहीं होगा. ये थोड़े घमंडी हो सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन पे, एक ऐसी करियर की एक ऐसी स्टेबिलिटी पे हैं जहाँ से इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है. मतलब ये करियर की ऊंचाइयों पे है अभी इस वक्त. एंड आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे लाइफ में, बहुत ज्यादा प्यार देंगे आपको. बेसिकली आपको वो एक ऐसा पर्सन समझेंगे जिनके पास उनकी, मतलब उनके लिए जो वो जो दौलत समझते हैं वो सब कुछ आपके पास होगा. वो एक ऐसा पर्सन आपको समझेंगे, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देंगे आपको शादी के बाद एंड शादी के पहले भी. जब भी आपसे इनकी मुलाकातें होंगी बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देंगे. एक एक यू नो नज़रों में जो खिंचाव होता है, एक अट्रैक्शन जो होता है, जो कंपैशन वो आपके लिए फील करेंगे ना पाइल नंबर वन, बहुत ज्यादा जेन्युइन, बहुत ज्यादा ट्रू. एंड आई डोंट थिंक के उनकी लाइफ में कोई ऐसा रोमांटिक कनेक्शन पहले रहा होगा या किसी के लिए इन्होंने ऐसी फीलिंग्स भी डेवलप की होगी जो आपके लिए वो, आई थिंक उन्होंने अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उसके लिए ये सारी फीलिंग्स संभाल के रखी होंगी. एंड वो सिर्फ आपको डिजर्विंग समझते हैं, सिर्फ आपको. बैलेंस बहुत बखूबी करते हैं ये अपनी लाइफ को.
चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, मतलब इन्होंने अपने किसी ऐसे फैमिली मेंबर को खोया है, मे भी हो सकता है उनके पेरेंट्स में से कोई हो, मतलब बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने, या हो सकता है मदर, या हो सकता है फादर, या कोई ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हो जिनकी इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बॉन्डिंग थी, तो उनका जो गम है या उनको जो उनकी लाइफ में जो कमी है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में, वो कोई नहीं भर सकता। एंड उनको बहुत ही ज़्यादा, उनसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अटैच थी उनकी, सो वो रिश्तों की वैल्यू बहुत अच्छे से करना चाहते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो। आई थिंक उन्हें पता है कि किसी की लाइफ में, किसी रिश्ते की लाइफ में प्रेजेंस होना और उसके बिना लाइफ जीना कितना डिफिकल्ट होता है, सो इसलिए आई थिंक वो अपना 110% देते हैं किसी भी रिश्ते में। एंड आई थिंक जो उनके क्लोज रिलेशंस हैं, जो मतलब फैमिली रिलेशंस हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं, या फ्यूचर स्पाउस से जो रिलेशन होगा उनका, आपके फ्यूचर स्पाउस का, बहुत ज़्यादा गहरा होगा। वो वैल्यू करते हैं बहुत ज़्यादा रिश्तों की। एंड ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है अब भी अपने करियर के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे इन्होंने सब कुछ इस्टेब्लिश करके रखा है, इनको इनको कोई भी ऐसी नीड नहीं है कि फाइनेंसिस के बारे में इनको सोचना पड़े या तकलीफ उठानी पड़े। बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट वाली लाइफ होगी आपकी इनके साथ शादी के बाद। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अपनी शादी के बाद एज अ पर्सन, एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आप दोनों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ेगा आपकी शादी के बाद। आई थिंक किसी को आप फॉलो करना शुरू कर सकते हैं या किसी में ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर सकते हैं आपकी शादी के बाद। स्पेसिफिकली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको भी आपकी शादी के बाद इंटरेस्ट आएगा इन सब बातों में। पर बहुत ज़्यादा आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं सॉफ्ट हार्ट के हैं ये, जिनके लिए जिनके साथ इनके रिश्ते अच्छे हैं उनके साथ ये बहुत ईमानदारी से, बहुत बहुत दरिया दिली से ये पेश आते हैं अगर आपका इनके साथ क्लोज रिलेशन है तो। सो आपके तो फ्यूचर स्पाउस हैं, सो आपके साथ और अपनी फैमिली के साथ ये बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत ही एक इंटेंस रिलेशन ये शेयर करेंगे। बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट काइंड के नेचर के ये पर्सन होंगे। और इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया हुआ है लाइफ में, काफ़ी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हुई हैं, डिग्रीज हो, अवार्ड्स हो, इनको लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स में या अपने जो भी सेमिनार्स हैं वहाँ पे इनको एज अ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट इनको इनविटेशन मिलता है। सो इनको इस बात का भी घमंड है, मतलब इनको पता है कि अचीवमेंट इन्होंने कैसे हासिल की है। सो नो डाउट ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के पर्सन होंगे ये। यस, दिस इज अ वेरी न्यू पर्सन, कोई आपका कोई पुराना कनेक्शन नहीं है ये बिल्कुल, जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं। यस, बहुत बहुत बखूबी बैलेंस करना जानते हैं ये अपनी लाइफ को। ये बिल्कुल न्यू पर्सन होगा आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिनको आप पहचानते हो या जानते हो नहीं। एंड आपकी ये हो सकता है लव मैरिज हो, एंड जो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी है ज़्यादा टॉल हाइट के नहीं होंगे ये, मीडियम हाइट होगी, मीडियम बिल्ट होगा, एवरेज लुकिंग होंगे ये ज़्यादा, बट इनको अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करना इनको ज़्यादा पसंद होगा। बेसिकली इनको
सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो अपने अपीरियंस से है वो रिलेटेड टू क्लोथ्स हैं, अच्छे कपड़े पहनना उनको सबसे ज़्यादा पसंद होगा, और कोई इनका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा अपनी लाइफ में, बट कपड़ों पे ये मैक्सिमम खर्चा करते होंगे। मीडियम हाइट के हैं, मीडियम मतलब बिल्ड है इनका, जो फिजिक है वो मीडियम है, ज़्यादा स्लिम नहीं है, एथलेटिक फिगर भी नहीं है इनका, बट जो कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, जो पर्सनालिटी है इनकी, फैमिली वालों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है ये। इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है पायल नंबर वन अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मतलब ये सिर्फ फाइनेंसिस की बात नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मनी ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा की है। इनको पता है हाउ टू सस्टेन इन द लाइफ, सो इन्होंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है, सब कुछ हासिल किया हुआ है इन्होंने। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा करेंगे आपकी ये, आपको प्रोवाइड करने के लिए हर वो कोशिश करेंगे। आई थिंक आप सोचोगे भी उससे पहले आपके सामने वो चीज़ें हाजिर हो जाएंगी। इतनी एक तो कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब एक रिच वेल्दी फैमिली से हैं, सो वो तो है ही है, बट आपकी मन की बातें वो अच्छे से जान लेंगे कि आपको क्या नीड है बेसिकली लाइफ में। आपकी शादी के बाद आपको एक रॉयल ट्रीटमेंट भी मिल सकती है, इनके साथ आप रहोगे तो लोग आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से, बहुत ज़्यादा मान दे के आपको बुलाएंगे, आपकी भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी आपके फ्यूचर स्पाउस की है। एंड जो लोग आपको अभी आपसे रिश्ता रखने में या आपसे ढंग से बात करने में तक हिचकिचाते हैं, वो लोग सब पलट जाएंगे, एंड आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से देख के वो आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, फिर आपसे बात करने के लिए वो तरसेंगे। अगर आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रही हैं तो आपको शादी के बाद ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी जैसे जैसे क्वीन की होती है, जैसे कोई ऐसे रॉयल फैमिली से कोई क्वीन हो या कोई ऐसी मिस्ट्रेस हो, वैसी आपको फीलिंग मिलेगी कि आपको हर जगह रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपका मान बहुत ज़्यादा होगा। एंड आप अगर अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी आप ऐसी उनकी फैमिली से जुड़ोगे जहाँ पे आपकी वाइफ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, एंड आपको बहुत मान से सम्मान से बुलाया जाएगा, आपको वो ट्रीटमेंट्स मिलेंगी हाई लेवल की। यस, सी बैलेंस मतलब बहुत, ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनको कभी लाइफ में अनस्टेबिलिटी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। हो सकता है पाइल नंबर वन अभी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो अबाउट योर मैरिज, क्योंकि आई थिंक जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो या जिस तरीके की कम्युनिटी में आप रहते हो, आई थिंक वहाँ पे मैरिज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आई थिंक बहुत छोटी छोटी उम्र में ही आपके आसपास में सब की शादियाँ, मतलब आपके आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके फैमिली के सर्कल में हो सकता है, सबकी शादियाँ हो जा रही हैं और आपकी ही थोड़ी डीले हो चुकी है, इसलिए आई थिंक आपको जितनी एंग्जाइटी है शायद उस माहौल की वजह से है। इंटरेस्ट में जब आपकी शादी होगी ना तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जो आपके टेंशन हैं,
वो भी खत्म हो जाएंगी, जो लोगों के ताने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, जो आपको कंपैरिजन किया जाता है कि आप में कोई कमी है, आप में बुराई है, आप डिजर्विंग नहीं हो, और ये सारी जो बातें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी जब आप एक बार आपकी जब शादी होगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस को देख के सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि एक कंप्लीटली नई नई आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस से जुड़ने से आपका। एंड आई थिंक आपको बहुत ज्यादा जज किया जा रहा है आपकी कम्युनिटी में स्पेसिफिकली, या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच आपको बहुत ज्यादा जज किया जाता है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, आप में ऐसे कोई खूबी नहीं है, आप गुड लुकिंग नहीं हो, या यू नो आपका अपीयरेंस इतना, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशंस इतनी अच्छी नहीं है, या आप ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हो, ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा यू नो ताने कसे जाते हैं या यू नो ऐसा फील करवाया जाता है। सो ट्रस्ट मी, आपकी शादी के बाद इन सबका मुंह बंद होने वाला है। नाउ लेट्स सी सम इनिशियल्स ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। पाइल नंबर वन, एंड देन हम एक एडवाइस कार्ड भी देख लेते हैं आपको इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑलराइट, ओके, सो वी हैव ओ हियर, सी, आर, वी हैव पी, एफ, टी, यू, टी अगेन, टी यहाँ पे दो बार है, जे, एल, यू भी यहाँ पे दो बार है, एफ, एफ भी यहाँ पे दो बार है, ई, के, ए, टी, टी भी, टी यहाँ पे तीन बार है एक्चुअली, डब्ल्यू, H एंड L, L भी यहाँ पे दो बार है। ऑल राइट, आई होप पाइल नंबर वन आपको सारे जो लेटर्स हैं विजिबल होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में, आपको करना क्या चाहिए। सो आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आर्केंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। आई थिंक आपकी लाइफ में अभी जो है स्ट्रेस की लेवल काफ़ी ज़्यादा है, आपको यू नो कभी कभार आपकी फाइट्स तक हो जाती है, या मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं आपके जो फैमिली वाले हैं या कम्युनिटी वाले हैं, जो आपकी शादी की वजह से जो उनको यू नो मज़ा आता है आपको परेशान करने के लिए, उनको एक बस जरिया मिल गया है आपको तंग करने के लिए। सो उसमें आपके साथ आर्केंजल यूरियल हैं, एंड यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आपको अभी सब्र रखना है, शांति रखनी है। अगर आप पीस अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको बाहर से आके डिस्टर्ब करें। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अच्छे, हाईली हाईली क्वालिफाइड, हाईली डिग्निफाइड पर्सन होंगे। सो आपको अभी बस पेशेंस रखने हैं एंड शांति बनाए रखनी है। किसी के साथ आपको उलझने की या आर्ग्यूमेंट करने की या उनको जवाब देने तक की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर वन, सो पाइल नंबर वन ये थी रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। एंड हाँ गाइस, अगर आपको लाइव सेशन में इंटरेस्ट है तो मैं जल्द ही एक लाइव सेशन करने वाली हूँ। सो उसकी अपडेट आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, डेट एंड टाइम ऑल दैट। सो मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने पाइल नंबर टू का सिलेक्शन किया है, जिनकी बर्थडे पाइल नंबर टू में है, let's start the reading.
एंड गाइस, अगर आपको लाइव सेशन में इंटरेस्ट है, सो मैंने आज एक लाइव सेशन किया था अपनी चैनल पे. अगर आपको इंटरेस्ट है लाइव सेशन अटेंड करने के लिए, सो जल्द ही मेरी चैनल पे एक और लाइव सेशन होने वाला है, जिसकी अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी. जो भी डेट एंड टाइमिंग होगा उसकी अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूंगी. सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन को. Ten of Cups, pile number two. What an amazing beginning. Wow. My God, pile number two. Wow. Beautiful. Beautiful. Supreme. आपकी reading. Wow. My goodness, pile number two. वाओ, आई थिंक जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, पाइल नंबर टू यहां पे, आपको क्या चाहिए शादी से, आप पहले वो डिसाइड करें. आपको शादी से चाहिए क्या, जिसके लिए आप ये रीडिंग पे आए हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं. फर्स्ट मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको, आप शादी से क्या चाहते हो, आपकी शादी से, आपके फ्यूचर स्पाउस से. प्यार चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, रिश्ते में लॉयल्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और क्या चाहिए. आपका जो फ्यूचर स्पाउस है शांत होना चाहिए, अच्छे नेचर का, अच्छे बिहेवियर का होना चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंडेड होना चाहिए. सब कुछ है आपकी रीडिंग में, पाइल नंबर टू. एवरीथिंग इज देयर. आप मुझे जिन्होंने भी पाइल नंबर टू का सिलेक्शन किया है, प्लीज़ अगर आपको रीडिंग रिजोनेट होती है, या आपको जो शादी से चाहिए आपकी, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको फ्यूचर स्पाउस से क्या चाहिए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आपकी लाइफ में वो सब कुछ है आपकी शादी से जुड़ा हुआ, सब कुछ. हालांकि मुझे लग रहा है शायद आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत यहाँ पे डगमगा रही है. आई थिंक आपका कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप किसी के साथ रहा है, जिसकी वजह से यू नो आपका थोड़ा ट्रस्ट इश्यू है. बट यहाँ पे जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, लविंग, केयरिंग, स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत चाहेंगे, आपकी, आप बस यू नो उनकी मोहब्बत सिर्फ आप रहोगे. पाइल नंबर टू, एक खूबसूरत कनेक्शन रहेगा, आप और आपकी फैमिली, आप और आपके बच्चे, दैट्स इट. बेशुमार प्यार से आपकी ये शादी, आपका फ्यूचर ही यही है. पाइल नंबर टू, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज्यादा, आई थिंक ये एक ऐसी पोजीशन पे होंगे, या ऐसी, हो सकता है ये डॉक्टर हो, या ऐसी कोई स्टडी, या कोई लॉ में कुछ इन्होंने ऐसी पढ़ाई की होगी, या फिर ये ऐसे मे बी हो सकता है ये आजकल की जो आईटी पढ़ाई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये ऐसी कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी इन्होंने एजुकेशन ली हुई है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड कोर वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस एजुकेशन की. इनकी जो लेवल है, इनकी जो थिंकिंग की, बहुत ज्यादा हाई लेवल से ये सोचते हैं, बहुत ज्यादा यू नो फनी नेचर के होंगे, आपको बहुत ज्यादा हंसाएंगे, खुश रखेंगे, छोटी छोटी बातों में इनको यू नो आपको तंग करना, आपको टीज करना इनको पसंद होगा, फिर आपसे मजाक करेंगे, फिर आपको प्यार करेंगे, छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा रोमांटिक, आपको यू नो घुमाने बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे, बाहर आपको बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे, ऐसी ऐसी जगहों पे, यू नो टिपिकली नहीं कि मूवीज़, मॉल्स, ऐसा ये सब नहीं, आपको अलग अलग जगहों पे एक्सप्लोर करवाएंगे, अपने साथ नेचर के साथ कनेक्ट करवाएंगे,
डीप 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 इमोशंस आपके लिए इनके दिल में होंगे। आपसे जितना सच्चा प्यार ये करेंगे ना, आई डोंट थिंक कि किसी ने आपसे इतना प्यार किया होगा। पायल नंबर टू, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपको एक ऐसा पर्सन समझेंगे जिन पे वो भरोसा रख पाए। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी होंगे, एथलेटिक फिगर भी हो सकता है इनका, मतलब ये जिम वगैरह रेगुलर करते होंगे, या जिम नहीं तो इनको आई थिंक रनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा। मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में या मे बी इवनिंग में भी इनको रनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। स्पोर्ट्स वेयर पहनना, यू नो, इनको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, और आपको भी वो वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, आपको भी वैसे ही यू नो आदत लगा देंगे। ऑल राइट, ओके। आई थिंक पायल नंबर तो वो आप है ना, कोई पास्ट की ऐसी मेमोरी है, बुरी मेमोरी, जिसको आप पकड़ के रखे हो अभी तक। कोई मे बी रिलेशन ही है आपका, जो यू नो आपको वो, आपको उस रिलेशन से वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रिलेशन से। मे बी कमिटमेंट, या जितना रिस्पेक्ट या जितना प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। आप उस फीलिंग को, उस पर्सन को बेसिकली आप भूलोगे ना, तब जाके आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आएगी आपके फ्यूचर स्पाउस के रूप में। आपको वो छोड़ना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी इजी। आपको बस अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, ना कि पास्ट पे। आई थिंक आपके आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें आपके जो पास्ट में जो पर्सन थे उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। विद इन वन मंथ, आई गेस विद इन वन मंथ आपको आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, एंड डेफिनेटली फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। यहाँ पे पायल नंबर टू, आपको थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी है आपके पास्ट को हील करने के लिए, एंड उसको ओवरकम करना है आपको। आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। सो उसको अगर आप नहीं रोकना चाहते तो आपको अपने जो पास्ट की मेमोरीज है उनको बिल्कुल भी डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसमें ही रह जाओगे। आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में यू नो वेलकम नहीं कर पाओगे। पाइल नंबर टू, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री छोड़ना है। जितनी तकलीफें शायद आपको पास्ट रिलेशन से, यस, जितनी तकलीफें आपको पास्ट रिलेशन से मिली है, सी आपको फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी आपका यही था, मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आपको आपकी जो रिलेशनशिप थी जिस भी पर्सन के साथ, वहाँ पे आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, फ्यूचर आपका इनके साथ है या नहीं है। बट आपकी लाइफ में जो फ्यूचर स्पाउस आने वाले हैं, जल्द ही 1 से 2 महीने के अंदर आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होने वाली है। सो प्लीज़ उसके लिए अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि वो आपको सब कुछ देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे, वो लाइफ में अपनी जगह देंगे ऐसी कि जहाँ पे यू नो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होगा। पाइल नंबर टू, आप, आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी फैमिली, इतना ज़्यादा आप खुश रहोगे, इतनी ज़्यादा आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी।
सो अभी आपका जो माइंडसेट है, जो इनडिसाइसिवनेस है आपके दिमाग में, उसको प्लीज आप यू नो डिलीट ही कर दीजिए. और इन सब थॉट्स को आप ओवरकम कीजिए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके दिमाग में, उन सबको आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा. एंड आई थिंक इसी के बाद ही आपको आप प्रॉपर एक यू नो एक अच्छे रास्ते की तरफ आपके थॉट्स जाएंगे और एक अच्छे रास्ते की तरफ आपकी यू नो सोच आगे बढ़ेगी. अदरवाइज आप उसी पास्ट की जो बुरी मेमोरीज हैं उसमें आप यू नो उसी में आप रह रहे हो. एंड आई डोंट थिंक आपको वो कहीं लेके जाएंगी ये बुरी मेमोरीज, आपको और ज्यादा परेशान करेंगे, आपको और ज्यादा गिल्टी फील करवाएंगी. उससे आपकी कोई ग्रोथ तो होगी नहीं, उल्टा हो सकता है कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है शायद उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा. सो इट्स बेटर कि आप अपनी जो आपके सामने जो जिंदगी नई शुरू होने वाली है आप उसको फोकस करें, ना कि आपकी पास्ट मेमोरीज को. नाउ लेट्स सी सम इनिशियल्स फाइल नंबर 2 ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. राइट, वी हैव ए जे के ई ई अगेन ई यहां पे दो बार है एन सी वाई एस W K H and L. I hope pile number 2 आपको सारे letters visible हैं. Yes, so आपके लिए एक advice card देख लेते हैं कि इस time पे आपको universe की तरफ से क्या message है, क्या advice है basically. आपको इस situation में क्या करना चाहिए. Let's see what is the message from the universe for you. Closeness. Your unicorn is so very close to you. I think, yes, आपके जो future spouse हैं वो within 1 or 2 months आपकी life में आने वाले हैं. So be prepared, be ready, pile number 2. जो आपकी life में magic होने वाला है that is very close to you. See, universe का ही message है, the closeness. आपकी जो desires हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो भी शायद आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है. एंड आई थिंक आपको सिंक्रोनिसिटी भी दिखती होगी यूनिवर्स की तरफ से, जो मैसेजेस हैं वो मिलते होंगे. मे बी आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते होंगे या मे बी आपको रेनबो दिखता होगा. मे बी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपको बटरफ्लाइज भी दिखते होंगे. सो ये सब साइंस होते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स. आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, वो फ्रूटफुल रिजल्ट देने में आपके पास पहुंच चुके हैं. सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, पाइल नंबर 2. सो ये थी एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 2. एंड आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको ये रीडिंग ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. एंड मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. Till then, take care. Bye-bye, guys.